3, 2, 1. Hello, assalamu alaikum. My name is Muhammad Lali and you're watching I Am Bilal. आपस की बात है, दिन की मेरी तीसरी वीडियो है। खैर, अच्छी बात है, प्रोडक्टिविटी आ रही है आप लोगों के लिए। आई होप यू एंजॉय इट। ठीक है, खैर आज हम बात करेंगे वादा भी पे। बड़ा मशहूर है, वादा सेंटेंस है ये यार। भाई क्या जस्ट सो वादा भाई, आई मीन जस्ट दिस सो फेक। एंड मुझे ना पहले बात लगती थी, मैं भी कहता था यार वो बहुत वादा भी है, क्योंकि उसका एक्सेंट जो है वो उसके असल एक्सेंट से बहुत बहुत मुख्तलिफ है। ठीक है ना, पर टेनवर लाइक एक्सेंट भी तो आप पिक ही करते हो कहीं ना कहीं से, और आप लिटरली वही हो, उसी चीज़ की काशी कर रहे हो, करते हो उसी चीज़ को रेप्लीकेट करने की कोशिश कर रहे होते हो, जो जिस चीज़ आपको दिल में एडमायर कर रहे होते हो, इस चीज़ को। यू आर अ चीपर, अ बाय प्रोडक्ट ऑफ वट एवर और हु एवर यू आर इंस्पायर्ड ऑफ। ठीक है ना, अगर वो दो तीन लोग आए तो फिर आप दो तीन लोगों के और मिक्सचर हो गए। ठीक है, दैट बीइंग सेड, यू आर अ बाय प्रोडक्ट एंड यू आर क्या कहते हैं उसको, यू हैव द कलर्स ऑफ द पीपल यू हैंग आउट विद। ठीक है ना, जो जिन लोगों के साथ फिरते हो आप, यू आर अ मिक्सचर ऑफ 5 पीपल यू हैंग आउट विद। ठीक है ना, तो ये बहुत बहुत बड़ा पैराडॉक्स है जो कि बड़े आम फैम में लफ्ज यूज कर रहे होते हैं। तुम बहुत वाला भी हो या तुम वाला भी नहीं हो। अच्छा, मैंने बोला भी बोला शुरू किया, मेरी आवाज़ भी टेढ़ी हो गई है। खैर, तो ये बहुत एक बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल सवाल है ये, कि हकीकत में इंसान क्या है। हदीस है कि हर बच्चा इस्लाम की फितरत में पैदा होता है, बेशक वो उसके वालदे से क्रिश्चन बना दें, पैदा वो इस्लाम की फितरत पे होता है। इसका मतलब है कि एवरी नॉन मुस्लिम अकॉर्डिंग टू दिस हदीस इज अ वादा बी, इज अ फेकस्टर। वो अपनी फितरत से, अपनी हकीकत से, अपने ट्रू सेल्फ से वाकिफ ही नहीं है। बड़ी बड़ी आपने किताबें पढ़ी होगी, द पावर ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ अवेयरनेस 101, ये तो वो। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द हदीस वो अपने खुद के उससे अवेयर वो नहीं है, आगाह नहीं है हकीकत से। ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। किसी को ये कहना कि तुम वाला भी हो या तुम वाला भी नहीं हो, तुम वाला भी कैसे नहीं हो, मुझसे पूछता है ये। मैं किसी कोई मुझसे पूछ रहा है कि यार वो वाला भी है, तुमसे कहता हूँ तुम कैसे नहीं हो वाला भी। तो रियलिटी इज कि हम सारे वाला भी है, हम सारे उसी चीज़ की काशी कर रहे होते हैं। ठीक है, उसी चीज़ को कॉपी कर रहे होते हैं, उसी चीज़ को रेप्लीकेट कर रहे होते हैं, उस चीज़ से हम बड़े मुतासर हो रहे होते हैं इन वन वे अदर, टू वट एवर एक्सटेंड वी कैन। ठीक है ना, ऑब्वियसली किसी का फैशन स्टाइल आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन अगर उसके पास कोई कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि उस नहीं है, तो आप ऑब्वियसली आपकी लिमिटेशन बन जाएगी, कंप्लीट कॉपी नहीं कर सकते उसको आप। शायद वो लिमिटेशन ही आपकी यूनिकनेस ही बन जाए। ठीक है ना, लेकिन दैट बीइंग सेड, फॉलो तो आप उसी को है ना, यू आर ट्राइंग टू बिहेव, यू आर अ वॉन बी। सो ठीक है ना, तो दैट मेक्स मी थिंक वॉन बी इज एट अ बैड थिंग, बींग अ वॉन बी इज एट अ बैड थिंग, बिकॉज इट इज़ अ काइंड ऑफ इंसानी फितरत, कि जिस माशरे में, जिस जगह पे, जिस तरीके से अब ये बोलने का स्टाइल है, ये भी आप पिक करते हो। ठीक है ना, आप कैसे बोल रहे हैं या कि बॉडी लैंग्वेज, ये भी आप पिक करते हो। इनहेरिटेंट क्या आते हैं आपके पास फितरत में, इंस्टिंक्ट, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, हल्की फुल्की सी शायद इंसानियत, रहम, वो भी नहीं आता बाय द वे। और हदीस के मुताबिक फिर इस्लाम, इस्लाम तो भूले पड़े हैं, तो हकीकत में हम अपने आप से आगा है, सेल्फ अवेयरनेस फॉर द वन, सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे हैं हम। आए बड़ा मुझे ना बड़ी कभी बड़ा सोचता हूँ चीज़ में, कहता हूँ यार कितने ले मैन के ना दुनिया में हम कितने आराम से लफ्ज़ बोल रहे होते हैं, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रिफ्लेक्शन। डू वी एक्चुअली नो वट सेल्फ रिफ्लेक्शन इज, टू हूम आर वी रिफ्लेक्टिंग बाय द वे, अपने इवेंट्स को, लाइफ को? दैट्स नॉट रिफ्लेक्शन। ठीक है, दैट्स एनालिसिस। ठीक है ना, ये रिफ्लेक्शन नहीं है, सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं है ये, सेल्फ अवेयरनेस भी ये नहीं है कि आप देखो कि हाँ यार मैं जो है ना क्या कहते हैं उसको, टांग बहुत हिलाता हूँ तो मुझे चीज़ कम करनी है। शायद एक ऊपर के लेवल की हो भी सकती है, लेकिन जो डीप डीप बात जो करनी है, डीप बात तो ये है कि वी ऑल आर वाला पीस, वी ऑल ट्राई टू बी समवन समथिंग विच वी आर नॉट,
वी ऑल फॉलो, बस एक बात है, ये जो हमारा दिमाग का ना केमिकल है सेरेटोनिन, वो भी ये करता है, वो आपको बकायदा फॉलो करवाता है ट्रेंड्स, आपको फॉलो कराता है फैशन डिज़ाइन, फैशन सॉरी फैशन ट्रेंड्स, ठीक है ना। तो फॉलो करना और वोना भी होना आपकी एक जो है ना फितरत है, काइंड ऑफ हकीकत है, अगर मैं आपको समझ लेना आपने, तो आपकी ये है कि आप किस तरह अपनी जो आपकी कमी है ना वो आपकी यूनिकनेस है, ठीक है ना। यू बी ट्रू टू हू यू आर फॉलोइंग एंड वाई यू आर फॉलोइंग हिम, दैट्स द ट्रू ट्रू सेल्फ अवेयरनेस। और जब उस चीज़ को या उस बंदे को फॉलो करते करते जब आप अपनी जो है लिमिटेशंस पे उतरोगे, तो वो लिमिटेशंस ही आपकी यूनिकनेस बन जाएगी। थोड़ी सी फिलोसॉफिकल बात हो गई, थोड़ी सी हो गई, प्यार प्यार से ना शुगल शुगल भी थोड़ी सी करती। खैर हाय, क्या घंटे में 3 वीडियो बना ली मैंने, खैर आई होप यू लाइक इट, आई होप यू इंजॉय इट। पीछे से सारा कुछ एक ही है, शक्ल बदली, सिर्फ ये शर्ट बदली, शक्ल भी नहीं बदली। तो होप वीडियोज आर कमिंग, इसका मतलब ये वीडियोज आ रही है इंशाल्लाह। पॉडकास्ट की कोशिश करो, लोग लोग 4-5 इकट्ठे हो जाए, नहीं हो पा रहे, सारी मसरूफ है, कोई इकट्ठा होता है तो पॉडकास्ट भी आ रही है इंशाल्लाह। तो इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो कर दे रहा कुछ थोड़ी सी ना फॉर्मेलिटी, वहाँ पे भी कर दे, फेसबुक पे वहाँ पे फॉर्मेलिटी कर दे, यूट्यूब के तो मेरे जीज़